शहर के ग्लोबल स्क्वायर में 60 प्लस आयु के नागरिकों को कोविड सर्जिकल का दूसरा डोज दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। कोरोना की महामारी रोकने के लिए सरकार प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रही है। हर उम्र के लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे टीका लगा रही है। अधिकांश लोग पहला डोज ले चुके हैं। शहर के सीतापेट स्थित ग्लोकल मॉल भवन में पार्किंग प्लेस में 60 उम्र से अधिक लोगों को मनपा की ओर से लसीकरण केंद्र जो बनाया गया है उसी के माध्यम से सीनियर सिटीजन को टीका लगाया गया, जिसका दर्जनों लोगों ने लाभ भी लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने रिबन काट कर उद्घाटन किया। कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड सबसे पुण्य वैक्सीन है जिसको लेना बेहद जरूरी है। नागपुर मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से लसीकरण के बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने जानकारी दी। तो रोज अब निकलना शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में मैंने मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और राजेश टोपे जी तीनों से बात की है कि जिस जिले में आपको कम लगता है वहाँ हम भेजेंगे और महाराष्ट्र के सभी जिलों में अब इसकी कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी और उसके बाद में महाराष्ट्र के बाद देश में जहाँ जरूरत होगी वहाँ भी भेजने का काम इसका करेंगे। और मेरा विश्वास है कि अब इसके कारण जो तकलीफें आई थी, ब्लैक मार्केट हुआ हो रहा था, वो बंद हो जाएगा और ये इंजेक्शन जो है ये लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और इसमें फूड एंड ड्रग के अधिकारियों ने बहुत सहयोग किया है और सिरसागर डॉक्टर जो है उन्होंने इनके सब परमिशंस मिली जो हमारे हैदराबाद के ब्रांड पर यह हो रहा है उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है। और निश्चित रूप से हमारे लिए आज एक ऑक्सीजन और ये दवाई दो बातों की सबसे ज़्यादा चिंता थी। ऑक्सीजन की भी दिक्कत अब दूर हुई है और ये दवाई भी अवेलेबल हुई है और इसलिए अगर थर्ड वेव आनी नहीं चाहिए, अगर आती है तो हमने जो तैयारी कर ली इसमें से दो महत्वपूर्ण बातें हो गई है। अब इसमें आवश्यकता ये है कि विशेष रूप से जिनको कोविड हुआ है उनको अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन हो रहे हैं। महानगर पालिका प्रशासन की ओर से किए जा रहे इस टीकाकरण मुहिम में सबका सहयोग मिल रहा है। इस उपक्रम के बारे में मनपा के सह आयुक्त राम जोशी इन्होंने जानकारी दी। नागपुर शहर में आज पहली बार ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया हुआ है माननीय गडकरी साहब के हाथ से, आज भी उद्घाटन हुआ है। और यहाँ सीतामढ़ी में हमारे मेट्रो स्टेशन में लग के जो ग्लोकल स्क्वायर नाम का मॉल है वहाँ पर ये आयोजन किया है। यहाँ अभी 500 व्हीकल्स आ चुके हैं। ये जो वैक्सीनेशन है ये सिर्फ 60 प्लस उम्र के लोगों के लिए है। काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स को यहाँ पर ले आ रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन्स खुद होके चलने में जिनको दिक्कत है ऐसे ही लोग यहाँ आ रहे हैं और दो मिनट के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन भी यहीं हो रहा है और साथ में ही उनको वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा है। हमारी ऑब्जर्वेशन टीम जो है मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग इनका देख रेख भी है और उनको यहाँ से दवा भी दी जा रही है। पीपल आर हैप्पी फॉर इट। इसी तरह का दूसरा अभी ड्राइव इन जो सेंटर है वो अभी दोपहर को 3:30 बजे यहाँ हम लोग रामबाग में जो हमारा एक मॉल है जिसको VR मॉल करके कहा जाता है वहाँ भी हम लोग दोपहर को 3:30 बजे शुरू कर रहे हैं। बहुत लोगों के आंखें गई है और एक फंगस है तो तुरंत केवल निगेटिव होगा ऐसा समझकर सिक्योर्ड हो गया ऐसा नहीं समझना चाहिए। थोड़ा भी कोई तकलीफ होती है, आंखों में कोई खुजली आती है और कहीं होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इस फंगस की भी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ेगा और इसकी चिंता सबने करनी चाहिए। इसके बारे में भी जो इंजेक्शन है उसका शॉर्टेज है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ डॉक्टर मदन कापरे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे आके बताया और ये दवाई महंगी है, 70,000 रुपये के उसके 10 डोज होते हैं और गरीब लोगों को लेना मुश्किल था। तो डॉक्टर साहब ने भी बहुत मदद की, मैंने भी उनको कुछ की है और कुछ लोगों की ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, इससे लोगों की आंखें बच गई। तो मुझे लगता है इसके तरफ भी अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी हमको चिंता करके काम करना पड़ेगा। महापौर जी ने हमारे बच्चों के बारे में डागा में एक स्पेशल वार्ड बनाने की तैयारी करके रखी है क्योंकि आने वाले समय में बच्चों के लिए भी हमें उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। भविष्य में तीसरी और चौथी वे आ सकती है, आएगी तो क्या करना है इसके बारे में महानगर पालिका, जिला प्रशासन और हमारे सभी लोग मिलकर हम उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। एम्स में भी अभी बेड की संख्या काफ़ी बढ़ी है, मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इसका सामना कर सकेंगे और लोगों की जान बचा सकेंगे। इस टीकाकरण मुहिम में जिन्होंने वैक्सीन किया है
ऐसे पिनाक इस व्यक्ति ने इस उपक्रम की सराहना करते हुए बीसीएन समक्ष जानकारी दी। ग्लोबल स्क्वायर में अब लसीकरण केंद्र भी शुरू हो चुका है और हम कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों ने लिया है, उनसे जाना चाहिए। सर ये बताइए कि आज कौन सा वैक्सीन लिया आपने, कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस तो अच्छा हो रहा है, ये दूसरा मैंने लिया, आज दूसरा लिया मैंने जी। और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, और ये सुविधा हमारे लिए अच्छी हो गई है, यानी हमारे लिए बहुत अच्छा है। कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है, लाइन की जरूरत नहीं थी, विद इन 5 मिनट्स में काम हो गया। कितना महत्वपूर्ण रहा सर ये? सर बहुत अच्छा है, लेना है तो बहुत अच्छा है, नहीं लेना है तो बात अलग है।